सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही जब सूरज की किरणें हमें छूती हैं, तो हमारा शरीर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास करता है। हमारे कई जरूरी काम इस आग से जलते हुए लाल गोली की वजह से ही संभव है। सूर्य से हम इंसानों का रिश्ता ऐसा है कि उसके बिना रहना नामुमकिन है। अगर सूर्य ब्रह्मांड से गायब हो जाए तो आप, मैं और हम सभी का विनाश हो जाएगा। प्रकृति ने सूर्य को इस तरह से बनाया है कि वह हमारी कई रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा होने के बावजूद भी हम अपने सूर्य के बारे में कुछ नहीं जानते। इसका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इस पर इतनी गर्मी क्यों है, सूर्य से जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आइए आज इंसानों को जीवित रखने वाले सूर्य से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि सूरज का जन्म कब और कैसे हुआ होगा? वैज्ञानिकों ने इस आग के गोले के बारे में काफी रिसर्च की, तब जाकर पता चला कि सूर्य का जन्म लगभग 4.57 अरब साल पहले हुआ था। जरा सोचिए कि अरबों साल से ऊर्जा देने के बावजूद सूर्य की आग अब तक खत्म नहीं हुई। एक थियरी में बताया गया था कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल एकत्रित हुए और किसी बल की वजह से यह बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे। धीरे धीरे सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद से ये ठोस में बदलने के बाद गुरुत्वाकर्षण पैदा करने लगा और फिर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों ने इसे ऊर्जा से भर दिया। इसका आकार आपकी सोच से परे है। हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रह, 166 उपग्रह, हजारों धूमकेतु और लाखों करोड़ों उल्कापिंड है। इन सभी को मिला भी दिया जाए तब भी ये सूर्य के बराबर नहीं हो सकते। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य इतना विशाल है कि उसमें 13 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। ये सूर्य ही है जिसने उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण से संभाला हुआ है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया तो पृथ्वी समेत सभी ग्रह अंतरिक्ष में तितर बितर हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आखिरकार सूर्य अपनी ऊर्जा लाता कहां से है? दरअसल सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसमें 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। इन्हीं दो गैसों की मदद से सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा को पैदा करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विलय और न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस ऊर्जा को सूर्य की सतह तक आने में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि 9,30,00,000 मील दूर होने के बावजूद सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना विशाल होगा, इस पर कितनी सारी ऊर्जा होगी। ये सच में हम इंसानों की कल्पना से परे है। हमें तो सिर्फ सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही मिलता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है। बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सूख लेते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। आसान भाषा में इसे समझा जाए तो अगर पृथ्वी पर किसी चीज का वजन 50 किलो है तो सूर्य पर उसी चीज का वजन 1400 किलो होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कितना विशाल और ऊर्जा से भरा होने के बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य के खत्म होने की बात कही थी। वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहा था कि आने वाले 5 अरब सालों में सूरज की मौत हो जाएगी, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि यह कैसे होगा। पर ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने इसे पता लगाने में कामयाबी हासिल की थी। उनके मुताबिक जब सूर्य की मौत का वक्त पास आएगा तो इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच का हिस्सा गैस और धूल के चमकीले छल्ले में तब्दील हो जाएगा। इस प्रोसेस को प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। इस प्रोसेस की वजह से तारों में 90% तक बदलाव हो जाएगा और लाल रंग के विशाल काय सूरज का आकार एक छोटे से सफेद रंग के गोले की तरह हो जाएगा। अगर सूर्य खत्म हो गया तो उसके साथ हम इंसानों का वजूद भी मिट जाएगा। पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। सूर्य के अंत के साथ ये ग्रह, तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु सभी शून्य हो जाएंगे।